हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम के साथ में। आज हम लोग खेलने वाले हैं क्लोथिंग स्टोर सिमुलेटर। आपको याद होगा मैंने एक गेम खेला था जो था रियल एस्टेट सिमुलेटर, तो उसी का ये गेम है उन्हीं का। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम को खेलने के लिए। थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। हम लोगों ने ना सिमुलेटर गेम के नाम पर बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारे अलग अलग काम का एक्सपीरियंस हो गया। तो अब हम लोग कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हमेशा की तरह। अभी मेरे पास यहाँ पे 1000, यार ये क्या चीज है मुझे नहीं पता, बट 1000 है, एक नहीं है 1000 है। तो हमारे पास 1000 क्या बोलते हैं इसको यार, ये मुझे पता भी नहीं क्या करेंसी क्या है, कुछ लिखा भी नहीं है। तो ये बहुत गेम्स में है, ये शायद रियल एस्टेट सिमुलेटर में भी यही करेंसी थी और कुछ और गेम्स में भी है, तो पता नहीं कौन सी करेंसी है। बट यहाँ पे पहली बार ना ऐसा हो रहा है कि हमको बहुत ही क्लीन सा एक सेटअप मिल रहा है। मतलब अगर इसको भी देखा जाए जो कि फूड प्रिंट से जो कि गंदगी है वो गंदगी लगी नहीं यार, ऐसा लग रहा है कि इसने पेंट करा हुआ अच्छे से। यहाँ पे हमारा एक हमको कपड़े टांगने के लिए वो दिया हुआ हैंगर, और यहाँ पे एक शिपिंग ऑफिस है। ओके अभी बंद है, ऐसा लग रहा है कि गेट ओपन है बट ये बंद है। ओके उसके अलावा यहाँ पे यार सुनसानी, मैंने एक चीज नोटिस करी है ना, सुनसानी जिस गेम में होती मजा नहीं आता यार। मतलब लोग तो खैर आ जाएंगे जब मैं अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करूंगा, बट ये जो सुनसानी देख रहे हो, सिर्फ हमारे पास इतना समय है, हम लोग ना सोने के लिए घर जा सकते हैं आई थिंक, ना ही हम लोग कुछ और काम कर सकते। टोटल मिला के इतनी सी जगह अपने पास, तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन तो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, या कर दूं तब तक थोड़े बहुत लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। पता चला लोग आ रहे हैं, मेरे पास चीजें है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग ऐसा नहीं करना। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे काम करना है। सबसे पहले स्टोर मैनेजर में जाएं हम लोग, वेयरहाउस एरिया साइन बोर्ड को चेंज करके हम लोग नाम लिखने वाले हैं। अरे ओह ये बहुत सही लग रहा था यार, बहुत कूल सा लगा मेरे को। तो हम लोग कुछ नाम सोचने वाले। ओह ये कस्टमर आ भी गई है, मंदबुद्धि लोग आने भी लग गए अभी से। देखो ये देखो अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं कराया, मैं नाम डालता हूँ फटाफट। तो $100 का लिख, नहीं यार सच में $100 लग रहे हैं। मैंने पालिका लिखा हुआ था, पालिका बाजार है ना यहाँ पे, हम लोग लोगों को लूटने वाले हैं जैसे कि पालिका बाजार में होता है। अगर आप लोगों ने कभी कपड़े खरीदे होंगे वहां से तो जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि वहां पे ना अंदर नीली लाइट्स लगी रहती है अलग अलग कलर की। मतलब व्हाइट लाइट जो होती है वो नहीं लगी रहती है वहां पे, पता कौन सी लाइट लगी रहती है वहां पर, नीली लगी रहती है और रेड रेड सी लगी रहती है, तो टील कलर की लाइट, मतलब ज्यादातर नीली होती। तो वहां पे कुछ भी कपड़े खरीदो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होते, चीप ही होते हैं, बट मतलब ना काफी अच्छे से लगते हूँ। जब बाहर आके पता चला तो पता चलता है कि यार उनका कलर कितना फेड है और कितने गंदे हो। $100 लग रहे थे नाम चेंज करने में, नाम चेंज कर लेता बट क्लोथिंग स्टोर सिमुलेटर गेम का नाम है वही स्टोर का नाम रहने देते हैं। अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं स्टॉक में, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग 3 टाइप की चीजें लेवल 1 में बेच सकते हैं, और ये शायद विमेन शर्ट, विमेन स्कर्ट, विमेन ड्रेस। ओके तो यहाँ पर सारा विमेन्स का ही है। उसके बाद और क्या है हमारे पास, इम्प्लॉयज भी हम लोग हायर कर सकते हैं पहले दिन से। ऑलराइट पेमेंट्स चीजें दिखा रहा है हमको, और हमको स्टोर मैनेजर दिखा रहा है जहाँ पर हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चीजें थोड़ा सा बाय कर लेते हैं ना। $200 का ये है, $100 का ये है, और ये है। उसके अलावा हमको यहाँ पर फर्नीचर भी बाय करना होगा, तो एक हमको चेंजिंग रूम चाहिए, ये तो अपने पास है कैशियर वाला, और एक हमको यहाँ पर शेल्फ चाहिए, दो चाहिए, एक लगा हुआ है, दो एक्स्ट्रा और चाहिए। ब्रांड्स में अगर हम लोग जाएं तो ब्रांड्स के कपड़े अभी तो नहीं कर सकते, स्पेशल डिजाइन में अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो डायरेक्टली हम लोग इसको बाय कर लेते हैं। $800 का हो रहा है अभी हमारे पास, इसके अलावा ऑलमोस्ट $200 बच रहे हैं, तो डॉलर में ही हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक है $1000 मिले थे और अभी हमारे पास $800। ये क्लीन करना होगा ना मेरे को पक्का। ओ कांच के डब्बे में सामान आ रखा है, पहले मुझे लग रहा है कि ये लगा लेता हूँ पहले मैं। ओके तो किस तरीके से लगाऊं, मुझे कहाँ से पता चलेगा कि क्या ये है, शायद डोर इसका पता नहीं बट मुझे लग रहा है कि शायद यही है। ओके तो हमारा चेंजिंग रूम हमारा बन चुका है, और ओके 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 पूरा निकाल रहा हूँ। अब जाके हम लोग कपड़े लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मेरे को ऐसे ये रैक सा लगाना था यार, एक और इसको लगा लेते हैं पहले। अभी ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही काम करते हैं, उसके बाद हम लोग सजाने वजाने पर ज़्यादा बाद में ध्यान देंगे। ठीक है पहले बार हम लोग थोड़ा ना बिजनेस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है, कि हम लोग अभी काम पर फोकस करते हैं और बाकी चीज़ें देखते रहेंगे, सजाने वजाने का काम है ना। तो ट्राई करूंगा कि आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर पाएं, और जल्द से अभी मेरे को ना रेट सेट भी करने पड़ेंगे शायद, वरना तो जिस रेट में खरीदें उसी रेट में बेचेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, हमको हम लोग कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। और लेकिन अपना गोल है कि आज, और देखो टैक्स तो कट ही रहा है इसमें शायद चीज़ों मंगाने में। ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सेट प्रोडक्ट प्राइसेस फ्रॉम योर कंप्यूटर, ओके कर रहा हूँ मैं। आई थिंक यहाँ पर हम नहीं स्टॉक में हम लोग शायद जाएंगे, स्टॉक में जाके $50 का है तो हम लोग उसको कितना कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं।
आई थिंक कर सकते हैं 55 कर तो सकते हैं, लोग लेंगे नहीं लेंगे वो नहीं पता। 37 का है तो हम लोग इसको ना $40 कर लेते हैं, ठीक है $40 हो चुका है। और यह 37 का, इसको भी हम लोग इसको 39 कर ले क्या, 39 कर लेते हैं इसको। ज्यादा ना अभी रेट में बढ़ा नहीं रहा हूँ, $188। अभी हमको लेवल 2 तक जाना है और अब जाके कस्टमर्स आ ही नहीं रहे। ओपन ये स्टोर नाउ। ऑलराइट, अब जाके और कुछ चीजें नहीं आ रखी। रात के 9 बज चुके हैं, हम लोग को अपना बिजनेस सेटअप करने में ही रात के 9 बज गए यार। मैं जाऊं कहां पे रात को? प्रेस एंड ओके। तो सोने का कोई मतलब है ही नहीं। हम लोगों ने आज टोटल 4 कस्टमर आए और वो देख के चले गए। अब आज देख के गए हैं तो शायद आज कल देख के गए, आज भी वापस आएंगे जहाँ तक मुझे ध्यान है। हमारे पास क्या कोई सामान वगैरह है? कुछ बटन्स वगैरह हैं जिससे हम लोग चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं? नहीं है। मुझे लग रहा है कि ना ऐसे ही बना हुआ है, जैसे कई बार आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा ये ऐसे फुटप्रिंट्स बने रहते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको आइडिया रहे कि कैशियर किस साइड को है, काउंटर किस साइड को और किस जगह को जाना है। जैसे मेट्रो में भी बना रहता है, ब्लू लाइन रेड लाइन का ना प्रॉपर बने रहते हैं वो। तो पहली कस्टमर अपनी यहाँ पर आ चुकी है और शायद जो मेरे रेट है वो इनको पसंद आए। तो यहाँ पर मेल फीमेल वाला साइन भी लगा हुआ है जिससे कि लोगों को ईजी रहे, मतलब ऐसा ना हो जाए कि कोई बंदा आ रहा है वहाँ पर लड़के वाले कपड़े लेके चले जा रहा है ना। इतना कंफ्यूजन हो रहा होगा लोगों को, हो रहा होगा, डम लोग होंगे तो इसलिए ये भी लगा हुआ है यहाँ पे। चलो दो ओके कस्टमर चेंज करके भी चेंजिंग रूम भी यूज कर रहे हैं। और ये क्या है? ओके अभी कैरी नहीं कर सकते हम लोग इसको। दो कस्टमर ने बाय कर लिया तो मेरे को कैसे करना है? ऑलराइट ओके नाउ यू नो व्हाट टू डू। एन एक्साइटिंग एडवेंचर इन द ग्लैमरस वर्ल्ड ऑफ फैशन अवेट्स यू। लेट्स सी इफ यू कैन टर्न योर स्टोर इनटू द फैशन सेंटर ऑफ द सिटी। यार सिटी कह रहे हो इसको तुम लोग, एक गली भी नहीं ढंग से। ओ हम लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं यार इसमें, इतना इजी क्यों है इसमें पैसा कमाना? देख रहे हो अभी देखो, क्योंकि कपड़े का बिजनेस है तो इतना सस्ता नहीं है। जैसे कि हम लोग सुपरमार्केट वगैरह खोलते हैं उसमें $1 का एक सेकंड तुम लोग करने लग गए ये सब उल्टे सीधे काम। बैक ये क्या फेंका इसने? कपड़े फेंक के जा रहे हैं। ओके समझ में आ रहा है फेंक के क्यों जा रहा है। जैसे कि हम लोग भी करते हैं ना यार, कुछ चीज देख ली उसके बाद वैसे रख के आ जाते हैं, तो सेम है। उस पर गुस्सा मुझे नहीं होना पड़ेगा क्योंकि हम भी तो यही सब करते हैं। यहाँ पे मैं स्टक सा फील हो रहा हूँ, देखो किसी ने यहीं पर टांग रखा। ओके तो ये चीज भी अच्छी है, मतलब अगर ये सब सही तरीके से करेंगे तो मेरे पास काम क्या बचेगा, है ना, मेरे को यही सारे काम तो करने हैं। आ रहे हैं कस्टमर, ये लड़के भी आ रहे हैं यार, इनके कपड़े तो रखे नहीं मैंने अभी, पक्का ये मेरे सुपरमार्केट में आ रहे हैं, पक्की बात है। और क्या ये इन कपड़ों को लेंगे और ट्राई भी करेंगे? मतलब ये तो बड़ा फनी होने वाला अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। अगर लेके चले गए तो अलग बात है, लेकिन अगर ट्राई कर रहे हैं तो फिर पता चल जाएगा कि गेम में क्या दिक्कत है। चल एक बार इनको तो देता हूँ, पहले इनको देखता हूँ मैं, इसने ले लिए तो क्या ये डायरेक्टली बाई करेंगे? हाँ यार, मतलब गेम ने थोड़ा डिटेल में सोचा हुआ है। देखो बाई करने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं अपने लिए लेके जा रहे, किसी और के लिए भी लेके जा सकते हैं ना। तो ये लोग ट्राई नहीं कर रहे, तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा था कि शायद ये लोग ट्राई करें और मतलब गेम में इतना ज़्यादा इन लोगों ने सोचा ना हो कि मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी आए खरीद ले और ट्राई करके चला जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी हमारे पास हो चुके हैं $875 और लेवल 1 अपना कंप्लीट होने ही वाला। तो मैं एक बार सारे कपड़े बेच देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा से इतने अच्छे से क्या ऐसे लग रहा है कि सच में पालिका बाजार से ले रहा, छेद वेद देख रहा अंदर फटाफटा तो नहीं है, इतने झांक झांक के देख रहे लोग। पालिका बाजार इसका नाम रखना पड़ेगा मेरे को। बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं बट आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता है किधर जा रहे हैं। ये देखो अब यहाँ से ये लोग गायब हो जाएंगे, पक्की बात है। मैं एक बार एक को किसी को ना फॉलो करने वाला हूँ। इन गेम्स में ऐसी डम हरकतें करने में मजा आता है मेरे को, देखने की कहाँ जाएगा ये। इसका घर है, इसका घर है, गायब हो चुका है। ऑलराइट ये यहाँ से निकला, तो ये जो दरवाजे हैं यहाँ से ये लोग स्पॉन हो रहे हैं। सारे कपड़े इन लोगों ने ऑलमोस्ट बाई कर लिए, बड़ा सही है यार। मेरे को ना सुपरमार्केट सिमुलेटर में बड़ी दिक्कत लगी थी, जो बार बार उनको चेंज देना पड़ रहा था ना, वैसे रियलिस्टिक था बट बाद मेरे को बेकार लगने लगा था क्योंकि मेरे को सारा काम करना पड़ रहा था उसमें। तो अभी हम लोग हमारे पास लेवल 2 हो चुका है, तो एक बार ये बंदे को निपटा लूँ ना मैं, तो फिर मैं काम करने वाला हूँ, है ना। जल्दी से इसको निपटाते गाइस। चलो ले लिया क्लोथिंग स्टोर सिमुलेटर। मुझे लगता है कि हमको अपने जो कैरी बैग्स हैं वो भी डिज़ाइन करने चाहिए। अभी हम लोग ना एक बार स्टोर मैनेजर में जाएं तो क्या हम लोग लेवल 2 को बाय कर सकते हैं? लेवल 3 चाहिए इसके लिए, वेयर हाउस और कुछ भी नहीं कर सकते। ये रहने दो, मैं ये तो नहीं करने वाला पैसे खर्च। हम लोग चलते हैं होलसेल में। और भी कुछ है हमारे पास फर्नीचर में? ये वाला आ रखा है, अभी ज़रूरत नहीं है शायद क्योंकि बिक तो सब रहे ना। अभी स्पेशल डिज़ाइन में भी कुछ नहीं आ रखा लेवल 2 में, मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास है। एक शेल्फ हमारे पास आया जो कि थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। ओके लेवल 2 में हमारे पास एक ब्रांड तो आ चुकी है गाइस, उस ब्रांड के हम लोग कपड़े अभी रख सकते हैं। ऑलराइट मुझे पता नहीं कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है यार, मेरे को एक काम करना पड़ेगा ना, इनको मेरे को कम करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अभी हमारे पास कितने हो चुके हैं? 1250 नहीं
पैसे थोड़े से कम है यार, कितने दिखा रहा है टैक्स, कार्गो प्राइस भी लग रहा है ना। ऑलराइट तो एक काम कर सकता हूँ, इसको अब जाके चल जाएगा। ऑलराइट तो कार्गो प्राइस हमारा हर बार ऑर्डर करने पर लग रहा है आ भी चुका है इतने जल्दी, $12 का। ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग लगाते हैं इनको यहाँ पे। अब मुझे शेल्फ थोड़े और चाहिए होंगे, सोच रहा हूँ कि जो ब्रांड वाला था ना वो बाई कर लूँ मैं। मैनुकिन वगैरह भी चीज़ें होंगी शायद, पता नहीं, होने तो चाहिए यार, अभी होंगे नहीं, बाद में चीज़ें आ सकती है ना। ऑलराइट तो अपने दो दिन निकल चुके, पहला दिन तो सेटअप करने में निकल गया और अगले दिन में हम लोगों ने अच्छी खासी कमाई करी, $450-450 का प्रॉफिट हम लोगों ने बनाया था। और उसके बाद अभी आज का दिन बाकी है, देखते हैं कि आज क्या करने वाले हैं। अब ना मुझे थोड़ा बहुत इनका देखना है चीज़ों का। ऑलराइट गाइस, तो नया दिन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें और ऑर्डर करी हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास वही शेल्फ है, कुछ कुछ मैंने पैसे कमा लिए हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ब्रांड के कपड़े रखने स्टार्ट कर दिए और वहाँ से हम लोग अच्छा कमा रहे हैं। ये जो ब्रांड के कपड़े हैं तो थोड़े से महंगे हैं लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं। अब ना मुझे अभी भी खरीद रहे हैं लोग, आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग को अभी यहाँ से स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर इधर कहीं से इस तरीके से। और ओके, ये कुछ अलग है तो ये एक में से मैं पता नहीं चल पा रहा है, आई थिंक ये एक और चेंजिंग रूम है शायद, हाँ दो मैंने मंगाए थे ना, इसी तरीके से इसको लगा देता हूँ, ये हमारा चेंजिंग वाला सेक्शन बन गया। ठीक है गाइस, तो ओके अभी इसको भी मैं उठा रहा हूँ, इसको भी मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि धीरे धीरे करके हम लोग ना सेक्शंस डिवाइड करना स्टार्ट कर दे, मेंस का विमेंस का इस तरीके से। और बहुत सारे लोग यहाँ पर खरीदने के लिए आ रहे हैं, ये देखो ऐसे झांक क्यों रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है चावल खरीद रहे हैं। नॉट अवेलेबल, ओके मुझे लगा कि एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी ऑर्डर करें तो हम लोग थोड़ा सा रेट और इंक्रीज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब हमारे पास हो चुके $4,263, इससे हम लोग बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या हम लोग किसी और ब्रांड के साथ अभी नहीं कर सकते, लेवल 5 में हम लोग कर सकते हैं। फर्नीचर में अगर हम लोग जाए तो हमारे पास ये वाला शेल्फ भी है, ओके तो मैनुक्विन है हमारे पास, इनको खरीदना चाहिए अभी $200 के, यार बहुत सारी चीज़ें आ तो चुकी है यार, शायद अभी इतना खर्चा नहीं करना चाहिए अभी हम लोग ना वापस। मैं सोच रहा हूँ कि सोच नहीं रहा, मेरे को सभी रखने पड़ेंगे ना कपड़े, तो यार ब्रांड्स के ही सिर्फ रख के फायदा नहीं होने वाला, हमको वैरायटी चाहिए क्योंकि लोग जा रहे बिना कुछ खरीदे हुए, तो ये खरीद लिया हम लोगों ने इतना। एक अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सारे पैसे खर्च करें, अगर मुझे ये देखना है कि एक बार ऑर्डर करने का अगर हमको $12 देने पड़ रहे हैं तो फिर मैं एक बार में ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर करूँगा ताकि हमारे कम पैसे खर्च हों, जो कि हम लोग इसका ट्रांसपोर्टेशन का लग रहा है ना वो वाला, तो इनको मैं एक साथ लगा रहा हूँ यहाँ पे। शेल्फ मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद थोड़े से कम पड़ रहे हैं, कम पड़ रहे हैं अभी भी। एक काम करता हूँ, शेल्फ ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है चलो वो आ जाएगा, आ भी चुका है, बहुत ही जल्दी आ जाता है सामान, देख रहे हो डिलीवरी कितनी क्विक है। एक बार में ना उतने ही कपड़े आ पा रहे हैं जितना हमारे शेल्फ में जगह है, तो हमको एक्स्ट्रा इधर उधर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, अगर होता तो फिर हमको वेयर हाउस भी खरीदना पड़ता या हमको वैसे कुछ बॉक्सेस को ना इसी तरीके से रखना पड़ता, बट अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। बाद में अलग अलग टाइप के शेल्फ वगैरह हो जाएंगे तो हम लोग प्रॉपर तरीके से चीज़ें डिजाइन कर लेंगे, अभी बस टेम्परेरी। यार एक ये है ना, ओके आई होप कि मैंने सबके रेट सेट कर दें, एक बार फटाफट से ना स्टॉक में जाके देख लेता हूँ। 50 का प्राइस है, मैंने 55 नहीं करा, 57 कर लूँ क्या, है ना 57 कर लेता हूँ, 54 का है तो मैं इसको 58 कर लेता हूँ, और 66 का है शायद चल जाएगा, 41 मैंने रेट चेंज नहीं करा क्या, न्यू प्राइस है, ओके रिकमेंडेड मार्केट प्राइस 37 मैंने कर तो रखा यार, मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें एक्सपेंसिव लगेंगी लोगों को क्योंकि मैंने डबल रेट सेट कर दिया उसमें, पहले कम करा था उसके बाद बढ़ा दिया मैंने, एक्सपी भी हमारी अभी तो गोली की स्पीड से बढ़ रही है, उसके बाद तक टाइम लगता है फिर बाद में। नया दिन स्टार्ट होने वाला है, ये लोग आधे रास्ते में ही थे और नया दिन स्टार्ट हो चुका है तो बेचारे सो नहीं पाएंगे क्योंकि मैं भी नहीं सो पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये देखो नहीं चले गए घर चले गए यार सारे के सारे, मुझे लगा था कि इधर पर ही रहेंगे बट नहीं, देखो ऐसे फेंक के जा रहे हैं लोग कपड़े। तो कैसे हम लोग पहुंच चुके हैं लेवल 5 में और यहाँ पर हम लोग एरिया बढ़ा सकते हैं, वेयर हाउस साइन बोर्ड तो खैर चेंज कर सकते हैं, शॉपिंग बैग नहीं ये कुछ और है अभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना पेमेंट्स में मैंने देखा कि हमको पे करना है इसके अभी दिन बचे हुए, तो इसको छोड़ दो, बहुत सारा रेंट बाकी है यार, ये किस चीज़ का इनवॉइस है अभी, ये पता नहीं किस चीज़ का इनवॉइस है यार, ये मेरे को लग रहा है कि वो ये, लेकिन वो तो उस टाइम पे कट रहा है ना, पता नहीं क्या चक्कर है, छोड़ो इसको। इम्प्लॉय मेरे को हायर कर लेने चाहिए अभी, छोड़ो इम्प्लॉय भी यार, है ना। फर्नीचर में अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये सब चीज़ें लगा सकते हैं बट ऐसा कोई दिक्कत रह नहीं रही अभी, अभी मैं पहले शेल्फ पर फोकस कर रहा हूँ, पहले हमको शेल्फ रखने ज़्यादा से ज़्यादा। लेवल 5 में हम लोग एक और ब्रांड
ले सकते हैं। मेरे को लग रहा है ब्रांड के भी कट रहे हैं थोड़े पैसे, तो हमारे पास अभी वैरायटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। स्टाइल विस्टा और स्टाइल विस्टा के हम लोगों ने दो ऐड कर लिए, तीन लक्स लाइन के, एक दो तीन सारे मंगा लेता हूँ, चार पाँच छ सात, और सात में अब हमको एक दो तीन चार पाँच छः और ये थोड़े ये भी मंगा लेता हूँ और दो चार ये मंगा लेता हूँ। बहुत सारा ऑर्डर कर लिया मैंने, कार्ट में चलते हैं और बाय कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑर्डर कर लिए, यहाँ पर कस्टमर्स भी बहुत सारे आ रखे हैं और सामान आ भी चुका हमारा। जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यू मेड $10,000 इन सेल्स, तो हम लोग $10,000 बना भी चुके हैं, मुझे खुद नहीं पता चला कब, क्योंकि पैसे ना सारे खत्म हो रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको लगाते हैं पहले, आई थिंक ठीक है सही जगह पर लग रखा है। जब हमारी शॉप भर जाएगी ना तो ये थोड़ी अच्छी दिखने वाली है, अभी तो कुछ खास लग नहीं रही है बट हो जाएगा धीरे धीरे काम। तो हम लोग अभी इस तरीके से चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि हमको इधर इसको थोड़ा ना पीछे प्लेस करना चाहिए। ओके तो इस तरीके से कुछ लग रहा है, और कुछ और मैंने शेल्फ मंगाए थे, इनको कहाँ लगा जाए, आई थिंक इनको भी मेरे को लगता है कि इधर ही लगा देना चाहिए। मैंने सेल कर दिया क्या उसको? अब यार सेल, हाँ आर प्रेस कर दिया था मैंने, सेल कर दिया उसको, कोई बात नहीं। इसको लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और एक और मैंने जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक और टाइप का शेल्फ ऑर्डर करा था, पता नहीं वो वाला आया नहीं हमारे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, बट आया नहीं वो। खैर अभी हम लोग फटाफट से ना पहले कपड़े लगा लेता हूँ सारे के सारे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तभी लोग खरीदेंगे। अगर कपड़े नहीं लगे तो कौन से क्या खरीदने वाले लोग। प्राइस तो मेरे को लग रहा है कि मैंने इनके तो सेट कर रखे हैं, जो नए खरीद हैं उनके सेट करने पड़ेंगे, तो एक बार सेट कर दो प्राइस वही रह रहा, और चेंजेस भी ऐसे हो नहीं रहे रेट में। ऑलराइट, तो फटाफट से ना जो नई चीजें मैंने बाई करी हैं स्टॉक में, ब्रांड्स में जाऊं क्या, एक सेकंड, नहीं नहीं ब्रांड्स का आ नहीं रहा, तो इनके रेट मेरे को सेट करने हैं। 56 $600 तो बढ़ा ही लूं यार, 68 और इसके तो ऑलरेडी कर रखे हैं मैंने, उसके बाद ये है 42, इतने डाल रहा हूँ। ठीक है सब के रेट सेट हो चुके हैं, और आई थिंक नया दिन, बहुत जल्दी जल्दी दिन ख़त्म हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा कि दिन जा कब रहा है, बहुत कम टाइम का डे है इसमें, एक पाँच मिनट के अराउंड ही मेरे को लग रहा है कि है। मैंने कुछ और शेल्फ ऑर्डर करे थे यार, मुझे शेल्फ ऑर्डर करना है गाइस कुछ और, तो हम लोग यहाँ पे शेल्फ, एक शेल्फ नहीं है ये, तो ये वाला शेल्फ है हमारे पास, एक दो ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, चार ऑर्डर कर रहा हूँ, चलो चार में ये वाला ऑर्डर कर रहा हूँ, और स्टैंड कर रहा हूँ मैं, और ये भी ऑर्डर कर रहा हूँ मैं एक एक। ठीक है इसको भी कर ही लेते हैं, और सिटिंग के लिए लोगों के लिए ये भी बाई कर लेते हैं, ये भी बाई कर लें। बहुत पैसे खर्च कर लिए यार, गमले छोड़ दो भाई, इतना ही पैसे खर्च कर सकते हैं हम लोग, अभी इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते। अब मेरे को देखना होगा कि इनको मैं लगाऊं कैसे। ओके मेन्यू किन है, तो हम लोग ना इसको प्लेस कर सकते हैं, आई थिंक यार सेल ना हो जाए गलती से मुझसे, एफ। ऑलराइट तो हम लोग इसको इधर पर लगा सकते हैं सेंटर में एकदम, है ना इस तरीके से, और हम लोग शायद कपड़े भी पहना सकते हैं। अबे यार ये तो पूरा शेल्फ निकाल दिया मैंने गाइस, टेक वन ड्रेस, ओ ओके ओके समझ में आया, तो हम इस तरीके से पहना सकते हैं जिससे कि हमारी सेल बढ़ जाए। अब मुझे ना थोड़ा देख के चीज़ें करनी होंगी, मेल मैनिक्विन, तो मेल वाला सेक्शन ऐसा कुछ बंद तो नहीं रखा है, तो जीन्स ये हमारे पास, दो क्यों आ जा रही चीज़ें। ऑलराइट तो अब ये नंगे नहीं रहेंगे यहाँ पर, कपड़े पहन लिए इन लोगों ने, और शूज़ वगैरह शायद अभी हमारे पास नहीं है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, उसको मैं रोटेट कर सकता हूँ इसको, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे ना सही नहीं लग रहा है, इसको हमको इधर पे ही लगाना चाहिए। और शायद हमारे पास ना स्टैंड था, स्टैंड कहाँ गया, आई थिंक ये स्टैंड है, यहाँ पर लगा रहा हूँ बॉक्स, और एक और बॉक्स मैं गाइस वहाँ पर लगाने वाला हूँ, ठीक है इधर कहीं पर बॉक्स लगा दूंगा ना तो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, तो पहले इसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ओके गाइस तो ऐसा कुछ ये लग रहा है, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, बट ये वाला पैर ना हवा में है, ये मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, एक पैर ऊपर रखा हुआ वो पैर नीचे होना चाहिए था, वो भी सेम लेवल पर है, तो उसकी वजह से हवा में लग रहा है अभी। ओहो मैं ना यहाँ बिजी हूँ काम में, तो हुआ क्या कि लोगों ने कपड़े खरीदे और यहाँ तक लाए वो लोग, जब उन्होंने देखा कि मैं आ ही नहीं रहा हूँ तो वो लोग ऐसे ही छोड़ के चले गए। अब मेरे को लगाने पड़ेंगे, कहाँ पर लगाए थे मैंने, ऑलराइट एक यहाँ का है, ये किधर का है समझ ही नहीं आ रहा कहाँ के कपड़े हैं, चलो अभी इनको मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे, उसके बाद लगाते हैं। पहले एक काम करता हूँ, पहले जो ये शेल्फ है ना इनको लगाता हूँ मैं, एक लगा लिया, ऐसे करके मेरे को बाकी भी लगाने पड़ेंगे,
आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसके बाद तो अच्छा दिखना चाहिए थोड़ा बहुत। अभी बदसूरत सा दिख रहा है हमारा मॉल, मॉल तो नहीं कह सकते, स्टोर कह सकते हैं, बट धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ये चीज़ें शायद मैं सेल कर दूंगा। और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद सेक्शन बनाने के काम आएंगे। यहाँ पे एक और, बस मेरे को देखना है कि मैं सही से लाइनअप कर रहा हूँ चीज़ों को। आई थिंक सही है। ऑल राइट गाइज, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा काम कर लिया है जितना मुझे लगता है कि करना चाहिए था। अब मुझे कुछ कुछ चीजें यहाँ पर और लगानी है। मैंने एक और मैनिक्विन बाई करी थी, वो मिली नहीं मेरे को। पहले ना फटाफट से कस्टमर्स को निपटा देता हूँ। बहुत देर से मैंने इनको सामान दिया नहीं कुछ भी, और ये लोग ऐसे सारा का सारा सामान छोड़ के चले गए, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे सारा सामान रखना पड़ेगा। किधर पर रख सकता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ। क्या हम लोग मिक्स वाला सामान इस पर रख सकते हैं? ऑल राइट, इस पर दो, ओके, तीन अलग अलग टाइप की चीजें रख सकते हैं जो कि दिखने में हमारी शॉप ना थोड़ा बेटर लगेगी इससे। ये कौन सी अलग चीजें हैं? इसको उतार के हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं, और यहाँ पे शायद हम लोग ये लगा लें, यहाँ पे ये लगा लें। अब ये किस में लगाऊं यार, कितनी अलग अलग टाइप की चीजें हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी भी लोगों ने चीजें फेंक रखी है, बट धीरे धीरे हमारे जो स्टोर है ना वो अच्छा लगने लगा है। मैं बार बार सुपरमार्केट याद आ रहा है मेरे को, बट नहीं, बहुत जल्दी हम लोगों ने पैसे कमा लिए। अभी भी पैसे खत्म नहीं हुए सारे, जबकि मेरे को लोन वोन पे करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो पे कर दिया जाए। वैसे भी करना है ही वो, तो पेमेंट में चलते हैं हम लोग, इसको पे कर लेते हैं सारा। उसके बाद इनवॉइस में चलते हैं, इसको भी पे कर लेते हैं। तो सारा अपना जो अमाउंट है पे कर लिया हम लोगों ने। ऑलराइट, मुझे लगता है कि मुझे ना चेंजिंग रूम शायद एक्स्ट्रा चाहिए अभी, तो एक अपना चेंजिंग रूम वाला सेक्शन आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये ना इस तरीके से गलत हो रहा है, तो इसको हम लोग इधर हटाते हैं। देखो यहाँ भी किसी ने टांग रखा है, इसको भी हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। अभी ये ना ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरीके से, है ना, एक जगह पर रहेंगी चीज़ें। बट मुझे ऐसा लगा पर्दे शायद, आई थिंक ये वाला इस तरीके से सही था। तो ये अच्छा लग रहा है। तो अभी क्या करना है गाइस अपने को, अभी चेंजिंग रूम दो ऑर्डर करने, तीन कर लूँ क्या, तीन ऑर्डर कर लेता हूँ, चार कर लेता हूँ चलो। उसके बाद अपने को एक ये ऑर्डर करना है, और एक मेरे को ये वाला मैन्युकिन ऑर्डर करना है। स्पीकर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और सीटिंग के लिए मेरे को ये ऑर्डर करने थे, बाकी चीज़ों की उतनी ज़रूरत है नहीं अभी, तो इतना ही हम लोग अभी ऑर्डर करने वाले हैं। इसको लगा लेते हैं कल सुबह, क्योंकि कस्टमर्स आएंगे ना तो उनको चमकती दुकान दिखेगी मस्त वाली। मुझे लग रहा है कि यार मेरे खड़े होने के लिए ना जगह नहीं बचने वाली, क्योंकि मैंने बहुत लगा दी है। कुछ इधर पर लगा दूं क्या, लेकिन इस साइड को ना हम लोग और कुछ कर सकते थे। ये यार ना इस जगह पर नहीं यार, मुझे लग रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा बाई कर लिए क्या, ये बाद में काम आ जाएंगे, इतने काफ़ी है, मैंने एक्स्ट्रा ही बाई कर लिए थोड़े से। चलो एक एक्स्ट्रा है और उसके अलावा तो नहीं है, तो अभी हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, ऐसा लग रहा था कि टेढ़ा लगा है, बट वो सही लगा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास ये सीटिंग के लिए थोड़ा बहुत इस तरीके से, इसको कहीं पे फिट कर सकते हैं, कर लूँ यार इधर पर फिट कर लेता हूँ मैं इसको भी। खाली ले रखा है, बाद में देखो अभी क्या होने वाला है। हम लोग ना जैसे ही अपने शॉप को एक्सपेंड करेंगे तो फिर चीज़ें सेम हो जाने वाली वापस, मतलब चीज़ें कमी पड़ सकती हैं चीज़ों की। तो मैं इसको ना कुछ आई थिंक इस तरीके से हम लोग इधर की तरफ को लगा सकते हैं, ये ठीक है ऐसे ही। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ है सिटिंग वाला, जो मैं इधर कहीं पर लगा सकता हूँ ताकि लोग यहाँ पे वेट कर सकें। अब जाके मेरे को चीज़ें रखनी है, मेरे को कपड़े थोड़े से और ऑर्डर करने हैं। तो हम लोग पहले ये क्या करा मैंने, ऑलराइट, तो मैंने एक यहाँ पर लगा दिया मैन्युक्विन, एक मैंने इस साइड को लगा दिया, और दो यहाँ पर लगा दिया। पता नहीं है, मैंने मुझे लग रहा है कि शायद सही कर रखा होगा। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे तरीके से चीज़ें लगाऊं। और यहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं थोड़े से, इनको लगा देता हूँ कहीं पर। इसको हम लोग आगे खिसका सकते हैं ना यहाँ पर, ज़रूरी थोड़ा ना उधर पर ही लगाऊँ इसको मैं। चलो ये सही है, अभी काफ़ी एरिया बड़ा हो चुका है। और इसको हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्डर कर लूँ फटाफट से, क्योंकि चाहिए हमको कुछ और चीज़ें। ओके, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से चीज़ें लगाऊँ मैं यहाँ पे, और उसी तरीके से हम लोग लगा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो ये हमारे पास ये वाले शेल्फ्स है ना, इसमें नीचे नहीं रख सकते हम लोग, सिर्फ ऊपर रख सकते। अगर नीचे भी स्टोरेज की तरह होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अभी हमको ये कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। यार कहाँ पर फिट करूँ मैं इनको, इसको निकाल लूँ अगर, हाँ तो इसको मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो लग गया है, बहुत सारे कपड़े रख लिए हम लोगों ने, और मुझे लगता है कि इतना इनफ अभी के हिसाब से हम लोगों ने काफ़ी सारे कपड़े रख लिए। इस पर भी हम लोग रख सकते हैं, और जो बचे हुए कपड़े हैं उनको हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर भी लगा नहीं पा रहा हूँ, कोई रैक खाली नहीं, यहाँ पर लगा लेते हैं। ऑल राइट, ये मेंस वाला था ना, इसको मेरे को यहाँ पर लगाने थे। यार यहाँ पर जगह है क्या? ऑल राइट है, एक शर्ट बच रही है, इसको यहाँ पर रख सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी अपनी जो अपना स्टोर है काफ़ी अच्छा लगने लगा, मतलब जैसे जैसे हम लोग चीज़ें रखते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, वो अच्छा
जा रहा है। उनको भी हटाते हैं और लोग आ रहे हैं वापस से चीजें खरीदने के लिए। एक बार ना बाहर से लुक देखते हैं कि कैसा लग रहा है। क्लोथिंग स्टोर सिमुलेटर नाम चेंज नहीं करा मैंने, बट यहाँ से डिस्प्ले में शायद मेरे को कुछ कपड़े दिख रहे हैं। वैसे ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग इसको बाद में, अभी इसलिए मैं सब कुछ एकदम परमानेंट वाला नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको एक्सपेंड करने वाले हैं। इस जगह को भी मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर भी डिस्प्लेज लगाने, और उसके अलावा तो मुझे लग रहा है कि सही यहाँ पर मैनिक्विन वगैरह लगा नहीं सकते। यहाँ पर भी लगा तो सकते हैं बट इतना काफ़ी यार, मतलब शॉप के अंदर चीज़ें क्या चल रही वो भी दिखना चाहिए ना। और ये तो इतने सारे मैंने लगा दिया, मतलब लोगों का भी सही हो चुका है। अपना आराम से चेंज करो, जल्दी जल्दी काम निपटेगा हमारा अगर लोग जल्दी खरीद के लेके आएंगे तो। अभी मेरे लिए ना इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़ रहा है कि मेरे को एम्प्लॉय हायर करने की ज़रूरत पड़े, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और उसके बाद ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक बार देख लूँ कि मैं, अब हमारे पास लेवल 6 हो चुका है। लेवल 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रांड फर्नीचर में अगर जाएँ तो हम लोग स्टोरेज शेल्फ रख सकते हैं, स्टोरेज बॉक्स रख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और उसके अलावा ये वैसे वेयर हाउस में ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट यहाँ पर भी हम लोग रख लें तो चलेगा। ये कुछ नई नई चीज़ें हैं जो कि हम लोग को मिल सकती है, अच्छी लग रही है, इससे हम लोग अपना स्टोर और बेटर बना सकते हैं। ब्रांड्स हमारे पास थोड़ी बहुत लेवल 8 में आएगी, अर्बन चिक, ओके। स्पेशल डिजाइन्स में हमारे पास लेवल 7 में एक आएगा, और अभी फिलहाल नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बैक चलते हैं तो कमिंग सून स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ पे ₹50 फिर से पे कर रहा हूँ, $12 यहाँ पर पे कर रहा हूँ। कितने पैसे पे कर रहा हूँ यार। स्टोर मैनेजर में अगर हम लोग बाय करें तो बाय कर सकते हैं। लेवल 13 में हम लोग अपने शायद कस्टमाइज्ड वाले शॉपिंग बैग्स निकाल सकते हैं। यार इतना लेवल 15 में कितने, इतनी देर बाद, आज का दिन भी मुझे लग रहा है कि खत्म ही होने वाला है अब, क्योंकि लोग आ नहीं रहे। हाँ, प्रेस एन टू स्टार्ट अ न्यू डे। तो फाइनली हमारे 6-7 दिन कंप्लीट हो चुके, हम लोगों ने ऑलमोस्ट एक वीक बिता लिया, और ये हमारा स्टोर का लुक अभी बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये वाला एरिया है ना, ये हमारा वेयर हाउस बन सकता है, जैसे कि दिख भी रहा पता चल रहा है, और यहीं से अंदर से जाने का रास्ता जैसे कि सिमुलेटर गेम्स में होता है। और ये पीछे का एक्सपेंड हो सकता है, एक बार चेक कर लूँ जरा। हाँ, ये इधर तक, और ओ मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ा एक्सपेंड हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल इसके साथ गाइज आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताने कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्या आपको सीरीज आगे कंटिन्यू देखनी है। फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।